भाई हमारे गांव से ही है, तो ये वहाँ पे कर रहा है बीटेक। और भाई आपको अर्जुन से मिला था बहुत टाइम के बाद में। अर्जुन सेठ आ जा, आप एक किलोमीटर चेक कर लो, 1,32,492 हो रही है। अब यहाँ से गोल्डन चौकड़ी कितना पड़ेगा वो मैं आपको आज। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और भाई आज गाड़ी आ गई अपनी बजरंगबली वाली, और ये बजरंगबली का देख लो उस्ताद कौन है साथ में। काफी टाइम के बाद में अर्जुन मिला है आज। भाई ये आया है मंगलवाड़ा, मैं इधर मंगलवाड़ा आया हूँ, रात में यहीं पे सो गया था मंगलवाड़ा। तो अभी ये भी आया है बड़ोदरा से भर के, तो अपनी गाड़ी लगी है वो सामने होटल पे। और भाई आया है बड़ोदरा से, वहाँ पे क्या पढ़ रहा है वहाँ पे क्या कर रहा है? बीटेक। तो भाई हमारे गांव से ही है, तो ये वहाँ पे कर रहा है बीटेक। और भाई आपको अर्जुन से मिला था बहुत टाइम के बाद में। अर्जुन सेठ आ जा, पावटा अर्जुन ये देखो ये गाइस। हाँ अर्जुन, राधे श्याम जी को कुछ बोलना चाहेगा? अरे क्या बोलेंगे इसको, इनकी लाइन ही अलग है राधे श्याम जी की। हाँ तो भाई राधे श्याम जी इनके खास मित्र हैं, तो राधे श्याम जी से भी आपको कभी मिलाऊंगा। क्या डोना है? जीरा। जीरा तो भाई जीरा की रेट हाई पाई है भाई, तो जीरा नहीं खाना भाई। तो भाई आज काफी हमारे को जीरा नहीं खाना। कितने दिन बाद में आज ब्लॉग में आ रहा है अर्जुन सेठ, बहुत टाइम के बाद में। सुबह में आके उठाया है इसने मेरे को। सो जो भाई नया चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करना और बने रहना पूरे ब्लॉग में। भाई अपन सुबह पहुंचेंगे बड़ोदरा मंडी हाथीखाना। तो ये लगी अपने यार बीच कान का हाट लेगा यार जयपुर। हाँ जी मतलब वो यूट्यूब को नाम को लिख रहे थे बीच में, उनका हाट लेगा यार। या वो होटल गोंची वाला लक्की ढाबा माल हाँ 2500 रुपया का कत्ता का लगाया थे यार जी टाइम में, गुण 2300 रुपया का गए थे। हाँ पीछा गए पल्लड़े। तो भाई जब भी पहुंच गया भाई उदयपुर, और भाई उदयपुर का नज़ारा चेक करो कितना खूबसूरत लग रहा है। शाम का टाइम है, आई थिंक 4 बज रहे हैं अभी, क्योंकि भाई मैं वहाँ से चला हूँ लेट, क्योंकि अर्जुन आ गया था, फिर नहा धो के खाना वगैरह खा के उसके बाद निकला मैं 4 बजे, सॉरी 4 बजे नहीं, तकरीबन 3 बजे के लगभग, घंटा भर हो गया मेरे को। और भाई आज देखते हैं भाई ये जाने वाली ब्रिज मेरे ख्याल में स्टार्ट हो गई, इधर से जो चढ़ना है ये नए वाले बाईपास पे, उस वाले ब्रिज पे अभी चेक करते हैं चालू हुआ या नहीं हुआ। आई थिंक तेरी बहन पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, आगे रास्ता है लेकिन यहीं पे इनको रोकनी है। तो भाई ये हो गया स्टार्ट यहाँ से, ये वाला देख लो भाई, ये वाला ब्रिज हो गया स्टार्ट। पहले मैं पिछले चक्कर आया था तब उधर से घूम के आना पड़ता था, अभी तो भाई ये पूरा कंप्लीट हो गया। सही है यार, अंदर से पूरा ट्रैफिक कम, ट्रैफिक अंदर से ख़त्म ही हो गया लगभग, क्योंकि जो इतनी भी
बाहर जाने वाली गाड़ियां हैं सब बाहर आ गई। ये देखो यहाँ पे आके आराम से मस्त। और भाई उदयपुर शहर उदयपुर नगरी झीलों की नगरी उदयपुर। शानदार एक नंबर। जो गाइस हो गया भाई उदयपुर बाईपास पार। अब यहाँ से अपने को घूमना है नीचे। और भाई इस वाले रूट पे इस बाईपास पे जो भी बंदा अगर नया पहली बार आ रहा है ना तो भाई यहाँ पे है डाउन। और अहमदाबाद के लिए ये बोर्ड देख लिया करो यहाँ पे, क्योंकि भाई नए कोई भी नए रास्ते पे आते हो ना तो कहीं पे भी अगर डाउन वगैरह है ना तो वहाँ पे बहुत आराम से गाड़ी लिया करो भाई। और इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। भाई मैं पिछले चक्कर ये स्टार्ट हुआ था ना तब आया था, तब मैं गुजरात से वापस रिटर्न आ रहा था ना, तब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तब मैं सामने से आ रहा था और भाई यहाँ से देख रहे हो सीधा फुल खींच के गाड़ी थी भाई 10 चक्का। और ये ब्रिज पे सीधे उसको जाना इधर था लेकिन वो सीधे गया। और भाई वो गाड़ियाँ वो वहाँ पे टर्न पॉइंट है हल्का सा, बिल्कुल यू टर्न है ना, तो वहाँ पे उसने ले जाके गाड़ी गिराई थी भाई। तो भाई आराम से लो, चाहे आपको जिधर मर्जी जाना हो, अगर रास्ते का नहीं पता है तो भाई मैप का सिस्टम है, मैप लगा लो या फिर बिल्कुल मतलब आराम से ले। यार कहाँ की जल्दी हो रही है। वो शुक्र है उस दिन भाई गाड़ी नीचे नहीं गिरी। ये वाली ये जो कटा हुआ पहाड़ दिख रहा है ना भाई साहब, इसके पास में ले जाके गाड़ी गिरी उसने। मैं यार आराम से चल लेता, मैं बस थोड़ा जस्ट आगे निकला ही था उससे। धंधे तो भाई आराम से चलो, कहीं की जल्दी नहीं है, पार्टी वालों का कुछ नहीं है, सब कुछ अपना सेफ्टी से चलाओ। और भाई ऐसे ओवरलोड मत चलाओ यार, ये देखो ओवरलोड दबा के ओवरलोड बिठा के लेके जा रहे हैं। चिल ब्रो चिल। भाई जी अपन गुजरात में एंट्री कर चुके हैं और भाई मैं श्यामला जी पार करके आ गया। सो भाई जी हर चक्कर अपन जा रहे थे अहमदाबाद होके, लेकिन इस बार जाएंगे गोधरा होके, क्योंकि ना कई बोलते हैं कि भाई वो लंबा पड़ता है, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कितना क्या लंबा पड़ने वाला है। तो भाई अपनी यहाँ पे किलोमीटर चेक कर लो, 1,32,492 हो रही है। यहाँ से गोल्डन चौकड़ी कितना पड़ेगा वो मैं आपको आज दिखाऊंगा, और अहमदाबाद से गोल्डन चौकड़ी इस साइड से कितना पड़ता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी ड्राइवर बोलते हैं भाई अहमदाबाद होके लंबा पड़ता है यार, लेकिन भाई ये है कि अहमदाबाद और इस गोधरा होके जाने में 650 रुपए का टोल टैक्स का फर्क है। इधर से 650 रुपए टोल ज्यादा है, अहमदाबाद होके कम है। खैर कोई नहीं, वो मैटर नहीं करता। इस बार चेक करेंगे कितना क्या लंबा किलोमीटर पड़ने वाला है, कौन सा रूट ज्यादा लंबा पड़ता है, क्योंकि तो भाई एक बार चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो उधर से आने में इधर से ही आता हूँ मैं गोधरा होके, लेकिन मैंने कभी ये दिमाग में लगाया कि नहीं कि यार लंबा पड़ता होगा। मेरे को तो इतना ज़्यादा ज़्यादा 10-15-20 किलोमीटर का डिफरेंस लगता है। बाकी अगर किसी भाई को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो आज चलेंगे गोधरा होके भाई। भाई डाकोर कपड़गंज होके भी जा सकते हैं, लेकिन इधर ना पूरा रोड टूटा पड़ा है।
बारिश में बुरा हाल हो चुका था इस साइड में, तो भाई इधर जाने में ना बहुत ज़्यादा वो है यार। इधर टोल और भी कम है, लेकिन फिर भी यार खड्डे वगैरह बहुत ज़्यादा है, जगह जगह ब्रेकर ये वो, टाइम भी बहुत लगता है भाई, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैफिक इधर से ही आता है। जो भी कंपनी की गाड़ियों चलाते हैं, जितने भी ड्राइवर भाई हैं, आज गोल्डन चौकड़ी वाले रूट से कितना पड़ेगा। चलो सो गाइस, जब भी मैं पहुंचा हूं भाई हलोल, और हलोल पार करके ये होटल है डिसेंट, तो यहाँ पे लगाई है मैंने गाड़ी। सो अभी टाइम हो रहा है रात के 1 बज रहे हैं भाई, तो मैं यहाँ से तकरीबन सुबह जाऊंगा 4 बजे, क्योंकि वहाँ पे ना सुबह 5-6 बजे के बाद में ही गेट खुलेगा, जो मार्केट का गेट है वो, तो सुबह 4 बजे यहाँ से जाऊँगा, तकरीबन घंटे भर में पहुँच जाऊँगा। अभी 30 किलोमीटर के समथिंग का सफ़र है, तो अभी यहीं पे करते हैं थोड़ी देर रेस्ट। 1 बज रहा है, 2-3-4 घंटे का टाइम है, तो 3 घंटे तक थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से जाएंगे आराम से। सुबह 7 बजे नो एंट्री होती है, तो उससे पहले पहले पहुंच जाएंगे अपन, तो अभी यहीं पे करते हैं रेस्ट। और भाई ये होटल काफ़ी पुराना है, डिसेंट होटल, हलोल से जो बड़ोदरा रोड है इस पे। और भाई अपना किलोमीटर चेक कर लो आप, वहाँ पे कितना था, आप वीडियो को एक बार पुश करके पिछला किलोमीटर और अबू का, यहाँ से 30 किलोमीटर का और सफ़र है, तो ये अपना हो रहा है 1,32,684, और वो कितना था तो वो कैलकुलेशन करके मैं आपको बता दूंगा आगे, मतलब कितनी किलोमीटर चलेगी अपनी गाड़ी। सो गाइस, ये सामने आ गया भाई गोल्डन चौकड़ी, और भाई अपना यहाँ पे हो गया मतलब 1,32,492 किलोमीटर था वहाँ पे, यहाँ पे हो गया 1,32,709 किलोमीटर, अभी 200 मीटर और पहुँच जाएंगे। तो भाई अपनी टोटल गाड़ी चली है वहाँ से यहाँ तक 217 किलोमीटर। तो भाई मेरे ख्याल में ना उधर अहमदाबाद से 20 या 22 किलोमीटर कम सफ़र है इधर से, बाकी अगले चक्कर में आपको उधर से भी किलोमीटर लगा के फिर दिखाऊंगा किस साइड से कितना क्या पड़ता है। तो इधर से चली है भाई गाड़ी 217 किलोमीटर, और ये वाली है भाई गोल्डन चौकड़ी, ये देख रहे हो। तो भाई अभी अपने को जाना है सिटी में, ये सामने आने वाला है भाई अपना मार्केट यार्ड, हाथी खाना मार्केट यार्ड। तो यहीं पे लगाएंगे गाड़ी, अंदर देखते हैं, अंदर गेट खोल के ले लेंगे क्या, चल के पता करते हैं एक बार। तो भाई पहुंच गए भाई अपनी डेस्टिनेशन कंप्लीट, और भाई ये खुल रहा है गेट, गार्ड साहब खोल रहे हैं गेट अभी, और भाई ये है मार्केट यार्ड, ये इधर लगी है गाड़ियों की लाइन, इस साइड में भी खड़ी है एक गाड़ी। तो अभी लगाते हैं गाड़ी अंदर, उसके बाद करते हैं भाई कॉल। भाई मार्ड यार्ड, पूरे यार्ड में चौकीदार रहते हैं, ये काम सही है भाई। चलो जी,
भी है भाई। सो मंडी में पहुंच गए भाई, मार्केट यार्ड में। अब यहाँ पे अब सुबह आएंगे, तकरीबन 5 बज रहे हैं, तो 6-7 बजे के बाद में ही आएंगे। तो अभी फ़ोन भी नहीं उठा रहे, सो अभी करते हैं रेस्ट और भाई देखते हैं कब तक क्या आते हैं। तो व्लॉग का ही यहीं पे करते हैं दी एंड, और भाई अगला व्लॉग करेंगे यहाँ से कंटिन्यू। तो जो भाई नया चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। सो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने भाई को दबा के सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।